सिनर्जीज टुगेदर साथ साथ व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग्स इज फैसिलिटेड और इंक्रीज बाय द अदर दे आर सेड टू बी सिनर्जेटिक्स। जब हम किसी एक ड्रग के किसी और ड्रग के साथ देखते हैं एक ही क्लास का, तो एक दूसरे का वो पोटेंसी इंक्रीज कर देता है। इन ए सिनर्जेटिक्स पेयर बोथ द ड्रग्स कैन बी हैव एक्शन इन सेम डायरेक्शन और गिवन अलोन और मे बी इनएक्टिव बट स्टिल इनहेंस द एक्शन ऑफ अदर व्हेन गिवन टुगेदर। मतलब हम जब सिनर्जेटिक्स ड्रग्स के एक साथ देते हैं तो एक ड्रग अगर एक्शन उसका कम भी हो जाता है, इनएक्टिव भी हो जाता है, लेकिन वो दूसरे ड्रग्स का पोटेंसी को इनक्रीज कर देता है और वो लॉन्ग टाइम तक और अच्छा एक्शन देते हैं। जैसे कि हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडिटिव और सुपर एडिटिव। नंबर वन एडिटिव, द इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग्स इन द सेम डायरेक्शन एंड सिंपली एड्स अप द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। मतलब कि जब हम एक ही क्लास के दो ड्रग्स को एक साथ देते हैं तो जितना इफेक्ट दोनों ड्रग्स का एक साथ होता है प्लस एक ड्रग्स का इफेक्ट प्लस दूसरे ड्रग्स का इफेक्ट, दोनों बराबर होते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एडिटिव पेयर में बी डिफरेंट डू नॉट एड अप। मतलब ये कि जो साइड इफेक्ट होगा कंपोनेंट्स का जो हम अलग अलग दे रहे हैं वो ज़्यादा होगा अगर हम उसको एक साथ मिक्स करके दे रहे हैं एडिटिव, तो उसका जो इफेक्ट होगा साइड इफेक्ट वो कम हो जाएगा। दस द कम्बिनेशन इज बेटर टॉलरेटेड देन हायर डोज ऑफ वन कंपोनेंट। मतलब अगर हम कम्बिनेशन में देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट कम होगा, अगर हम किसी एक को पार्टिकुलर देते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा साइड इफेक्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं ड्रग्स का जो सिनर्जिस में एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल एडिटिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन, मतलब सिनर्जिस में जो शो करते हैं उसका। नंबर वन एडिटिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन, यहाँ एस्पिरिन और पैरासीटामोल दोनों का कॉम्बिनेशन हम जब देते हैं तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट इनका बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हैलोथेन ये एनास्थेसिक है, मतलब ये सर्जरी के टाइम यूज़ करते हैं जिससे बॉडी में पेन नहीं होता। इनका अगर दोनों को साथ में मिक्स करके देते हैं तो इनका जो पोटेंसी है और एक्शन ड्यूरेशन और बढ़ जाता है। ऐसे ही एमेलोडोपिन प्लस एटिनोलॉल जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं कम्बिनेशन में जब यूज करते हैं तो इनका पोटेंसी इनका बढ़ जाता है और लंबे टाइम तक और इफेक्टिव होते हैं। सिनर्जिज्म का दूसरा क्लास सुप्रा एडिटिव एंड पोटेंशिएशन, इसमें द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। इसका मतलब है कि जो एक ड्रग्स अपना इफेक्ट दिखाएगा अगर उसको दूसरे ड्रग्स के साथ हम कंबाइन करके देते हैं तो इन दोनों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसे सुप्रा एडिटिव बोलते हैं। तो देखिए द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ए प्लस बी ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए माइनस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। मतलब हम जब दो ड्रग्स को एक साथ कंबाइन में देते हैं तो इनका पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है कंपेयर टू सिंगल ड्रग्स। दिस इज ऑलवेज द केस व्हेन वन कंपोनेंट गिवन अलोन प्रोड्यूस नो इफेक्ट बट इनहेंस द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग्स पोटेंशिएशन। मतलब हमेशा जब किसी हम एक ड्रग्स को दे रहे हैं अगर वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा है तो जब उसे हम किसी और ड्रग्स के साथ देंगे उसी क्लास के तो दूसरे का एक्शन ऑफ ड्यूरेशन मतलब जो उसका पोटेंसी है और उसका एक्शन टाइम हो इंक्रीज कर देगा। सुप्रा एडिटिव का एग्जांपल देखते हैं। सुप्रा एडिटिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन, ड्रग्स पेयर और बेसिस ऑफ पोटेंशिएशन। जब हम एसिटाइल कोलिन को फाइसोस्टिगामिन के साथ देते हैं तो इनहिबिशन ऑफ ब्रेक डाउन इनका कम हो जाता है। अगर हम लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा को साथ में देते हैं तो इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म इनका कम हो जाता है। एड्रेनालिन और कोकीन को जब हम एक साथ मिक्स करके कंबाइन करके देते हैं तो इनहिबिशन ऑफ न्यूरल अपटेक कम हो जाता है। इसी तरह बाकी और ड्रग्स हैं जो अपना एक्शन उनका डिग्रेडेशन रेट मेटाबॉलिज्म रेट उनका कम हो जाता है जब उन्हें कम्बिनेशन में देते हैं तो, और अपना वो एक्शन लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट शो कर सकते हैं।